नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बता रहा हूँ कि N95 मास्क को कैसे सैनिटाइज करें, कैसे डिकंटामिनेट करें। तो देख सकते हैं ये N95 मास्क है, ये आपको दिख रहा है, ये नया मास्क है, पर मैं इसको ही सैनिटाइज करना दिखा रहा हूँ आपको, डिकंटामिनेट करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये है सैनिटाइजर, जिसमें आप एल्कोहल की मात्रा देख सकते हैं 80% एंड ग्लिसरॉल है 1.45%। और यही सैनिटाइजर का मेरे पास स्प्रे भी रखा है कि इसको हम स्प्रे करेंगे इस मास्क से। पर अभी आपको लग रहा होगा मैंने ग्लव्स नहीं पहना है, तो ग्लव्स इसलिए नहीं पहना है क्योंकि एक तो न्यू है और इसलिए मैंने नहीं पहना है। टिश्यू पेपर है हमारे पास, इसको सैनिटाइज करना मैं आपको सिखाता हूँ। पर सैनिटाइज क्यों करें हम इसको, रिसाइकिल क्यों करें, क्योंकि अभी पूरी दुनिया में एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है, मास्क का क्राइसिस है, मास्क अवेलेबल ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड मास्क है ही नहीं और जो है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमें इसको रीयूज करना आना चाहिए, हम इसको दोबारा से कैसे पहनें। पहनने के बाद तो मैंने पहले वीडियो में बताया था इसको पहनते कैसे है मास्क को, अब हम यहाँ बात करेंगे इसको सैनिटाइज कैसे करें। जैसे कि अब ये सेकंड है हमारा कि भाई ये अनस्टराइल है, जैसे हमने यूज कर लिया इसको, तो हम इसको सैनिटाइज कैसे करें। पहले मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो कि गलत है, लोग गलत तरीके से सैनिटाइज कर रहे हैं। इसका जो मिडल लेयर है, जो इस मास्क का मिडल लेयर है, उसको डैमेज कर देते हैं, बोलते हैं धूप में रख दो इसको 48 आवर्स के बाद फिर यूज कर लो, तो वो एक बहुत ही गलत तरीका है, उससे मास्क का एफिकेसी खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज, कुछ लोग बोलते हैं इसको हीट में रखो, कई इसको धुल रहे हैं सैनिटाइजर से, एल्कोहल से, इथाइलिन एल्कोहल 90% से धुल रहे हैं, तो ये खराब हो जाएगा, इसके पोर्स डैमेज हो जाएंगे। तो अब इसके पोर्स डैमेज नहीं हो उसके लिए हम क्या करें, तो जैसे कि बताया है इसमें एक माइक्रोवेव टेक्निक है। इस मास्क को लीजिए, प्लास्टिक कंटेनर में रखिए और 80°C या 185°C तक उसको कंटेनर में पैक करके माइक्रोवेव में रख दीजिए 30 मिनट्स तक, के बाद ये स्टेराइल हो जाएगा और इसको रीयूज कर सकते हैं, इसको दोबारा रीयूज कर सकते हैं। मतलब प्लास्टिक बॉक्स में रखा है इसको, मास्क को प्लास्टिक बॉक्स में रखने के बाद इसको माइक्रोवेव में रखेंगे 80° से 185° तक आप रखेंगे 30 मिनट के लिए, तो ये सैनिटाइज हो जाएगा। दूसरा तरीका है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, वो घरों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो आपसे हो भी नहीं पाएगा, तो वो मत लीजिए, वो हार्मफुल मेथड है। थर्ड मेथड है ये सैनिटाइजर से हम इसको कैसे क्लीन करें। तो वैसे तो ये क्लीन मास्क है इसलिए मैं इसको नेकेड हैंड से पहन सकता हूँ, पर अगर आपका यूज करा हुआ मास्क है तो उसको आप क्या करेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, वियर द ग्लव्स और उसके बाद मास्क को हाथ में लेंगे। तो ये नया है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे पकड़ा जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सेंटर में आप आके दिखाइए पास से बिल्कुल। अब इसमें क्या है, मैं ये सैनिटाइजर स्प्रे करूंगा, सैनिटाइजर स्प्रे करने से ये देख लीजिए, तो ये मैंने स्प्रे कर दिया इधर, ठीक है, पर ये नया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसको सैनिटाइजर स्प्रे किया, अब उसके बाद इसको 6 मिनट्स तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 6 मिनट्स तक हम रख देंगे इसको ताकि ये सूख जाए, इसके बैक्टीरिया वायरसेस जो भी है वो किल हो जाए, पर इसके पोर्स क्लीनिंग में। उसके बाद ये मैं नया यूज करूंगा टिश्यू पेपर 6 मिनट के बाद इसको ऐसे से क्लीन करूंगा, अंदर से इस मास्क को क्लीन करेंगे ताकि ये पूरा क्लियर हो जाए। क्लियर होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, हैंग कर देंगे लटका देंगे, ठीक है। तो ये मास्क का क्लीन करने का तरीका है, सैनिटाइजिंग ऐसे करते हैं, फिर इसको आप लटका सकते हैं, जब आपको यूज करना है यूज कर सकते हैं, ठीक है, हैंग कर सकते हैं। अब मैं इसमें और चीजें बताता हूँ, ये था अपना एक बेस्ट तरीका इसको क्लियर करने का, पर आप ग्लव्स पहने, टिश्यू पेपर रखें और इसको अच्छे से क्लीन करें, पूरी जगह इस पर स्प्रे करें, इसकी डोरियों पे, हर जगह। अब इसको हम पहनेंगे कैसे, पहनने का मैंने आपको तरीका बताया था कि इस मास्क को आप ऐसे रखिए, ये डोरी ऐसे रहेगी, इसको यूं लीजिए, ठीक है, फिर ऐसे लगाइए, फिर इसको आप पीछे लीजिए, ठीक है। तो ये न्यू मास्क है, अब ये मेरे पहनने के बाद क्या हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। अब इसको हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है, फिर इसको ऐसे बाहर रखेंगे और यहाँ मैं इस टिश्यू पे रखूँ, अब इसको वापस से मैं स्टेराइल करके पहन सकता हूँ। तो ये रीयूज करने का तरीका है। अब एक क्वेश्चन ये भी है, मास्क को हम कितने दिन तक रीयूज करके पहने, तो जो स्टडीज हैं वो कह रही हैं कि 6 से 7 दिन या 6 से 7 बार आप इसको रीयूज करके पहन सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये गुड अमाउंट है, 6-7 बार अगर आप यूज करते हैं तो फिर एक नया मास्क ले सकते हैं। ये 90% प्रोटेक्शन देता है आपको, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत हेल्पफुल है। तो इसमें क्या गलतियां नहीं करनी, आपको 48 आवर्स तक धूप में नहीं सुखाना है। दूसरी चीज, इसको आपको 90% इथाइलिन एल्कोहल से नहीं वॉश करना है, सैनिटाइजर से ही वॉश करना है। तो सैनिटाइजर ही यूज करेंगे, जो मैंने मेथड बताया है वही है, एक माइक्रोवेव का बता दिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड का बता दिया आपको, दूसरा ये सैनिटाइजर से यूज करने का तरीका बता दिया है।
तो ये सब इंडियन लोगों के लिए मैंने बनाया है, तो प्लीज आप भी ऐसे इस मास्क को सैनिटाइज करें, स्टराइल करें और पहन लें, ठीक है? तो ये आपका तरीका है, पर ग्लोव हमेशा पहनें। लास्ट में धन्यवाद, अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, अपने सभी दोस्तों से शेयर करें, उनको बताएं कि ये तरीका है जिससे हम मास्क को स्टराइल कर सकते हैं। जिनके घर में माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव से भी कर सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि ये बहुत जानना जरूरी है कि मास्क को हम कैसे सेव करें, ठीक है? लास्ट में धन्यवाद, थैंक यू। और ये हमें वायरसेस से, सार्स से, कोविड-19 से, इन सबसे बचाता है। धन्यवाद।